चुनावों का ऐलान। लखनऊ से खबर, सचिवालय के नौसेवा संघ के चुनाव का ऐलान। विशेष सचिव, सचिवालय में बनाए गए निर्वाचन अधिकारी। सचिवालय में 11 सेवा संघ मान्यता प्राप्त हैं। सचिवालय में 11 सेवा संघ मान्यता प्राप्त हैं। मिस सचिवालय के 9 सेवा संघ के चुनाव का ऐलान। पिछले डेढ़ साल से कोविड महामारी बनी थी चुनाव में बाधा, अब इन चुनावों को लेकर ऐलान किया गया है। सचिवालय प्रशासन, विशेष सचिव ने किया आग्रह। सचिवालय प्रशासन, विशेष सचिव ने किया आग्रह। लखनऊ से खबर, सचिवालय के 9 सेवा संघ के चुनावों का ऐलान। विशेष सचिव, सचिवालय बनाए गए निर्वाचन अधिकारी। सचिवालय में 11 सेवा संघ है मान्यता प्राप्त, जिनमें से 9 सेवा संघों में चुनाव की घोषणा की गई है, उनका ऐलान किया गया है। कोरोना महामारी के तहत लगातार चुनाव में बाधा बनी हुई थी, अब जब संक्रमण की दर नीचे आई है तो कहीं ना कहीं पिछले डेढ़ साल में जो चुनाव रुका हुआ था उसको लेकर ऐलान सामने आया है। सचिवालय प्रशासन के विशेष सचिव ने किया आग्रह। सचिवालय के 9 सेवा संघ के चुनाव का ऐलान। और इसी खबर पर संवाददाता मोहम्मद शफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मोहम्मद शफी, जानकारी चाहेंगे। सचिवालय के 9 सेवा संघों में चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, विशेष सचिव हैं उन्हें चुनाव अधिकारी भी बनाया गया है। अब किस तरह से चुनाव होंगे और किस तरह से प्रक्रिया की शुरुआत होगी? देखिए, कोविड के कारण जो चुनाव होने थे सचिवालयों में 9 सेवा संघों के, वो काफी दिनों से रुके थे। फिलहाल अब उनका रास्ता साफ हो गया है। सचिवालय के जो 9 सेवा संघ है, अब उसमें चुनाव का ऐलान करा दिया गया है। जो विशेष सचिव है वो सचिवालय के नए निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं। फिलहाल 11 जो सेवा संघ वो मान्यता प्राप्त है और 9 के जो कार्यकाल है काफी पहले ही पूरा हो चुके थे, जिसको लेकर चुनाव होने थे, लेकिन कोविड के कारण चुनाव नहीं हो पा रहे थे। फिलहाल अब फिर से चुनाव का ऐलान कराया गया है। विशेष सचिव को निर्वाचन आयोग का अधिकारी बनाया गया है। जो सचिवालय प्रशासन, जो विशेष सचिव अरुण प्रकाश ने सभी संबंधित सेवा संघ के अध्यक्ष व मंत्रियों को चुनाव कराने में निर्वाचित जो अधिकारी है उनको भी सहयोग कराने का आग्रह किया है। फिलहाल अब जो काफी दिनों से चुनाव की प्रक्रिया रुकी थी, अब वो फिर से शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, ऐलान भी कर दिया गया है। कब से प्रक्रिया की शुरुआत होगी और कितने दिनों लंबी चलेगी ये प्रक्रिया? देखिए, फिलहाल तो अभी जो नए इसमें ऐलान किया गया है, फिलहाल उसमें जो सचिवालय के प्रशासन है, जो विशेष सचिव है, उनको अब ये बताया गया है कि जो फिलहाल इसमें अब नई तैयारियां शुरू करेंगे, फिर से एक नई तरीके से तैयारियां शुरू करी जाएंगी। फिलहाल अभी चुनाव की डेट का ऐलान नहीं किया गया है, फिलहाल अभी चुनाव होने तय कर दिए गए। जी बिल्कुल मोहम्मद शफी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ से खबर है, सचिवालय के विशेष सचिव, सचिवालय निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं। 9 सेवा संघों में चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। सचिवालय में 11 सेवा संघ मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें से 9 सेवा संघों के कार्यकाल को लेकर लंबे समय से चुनाव लंबित पड़े हुए थे, जिनको लेकर अब ऐलान किया गया है। पिछले डेढ़ सालों से कोविड महामारी चुनाव में बनी थी बाधा, और इसके बाद बात करेंगे अयोध्या की। सांसद लल्लू सिंह ने जो